हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के इस टॉपिक में हम लोग ललित कला के कटऑफ के ऊपर सर्वे करेंगे। ललित कला का ऑफिशियल कटऑफ तो बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा, बट हम लोग एक उसके पहले एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी कटऑफ जाने की संभावना बन सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज आप लोगों के सामने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करेंगे। अगर पसंद आएगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए, जो ललित कला का पेपर हुआ था उसमें जो अब आप लोगों की जो मेरिट बनेगी वो 120 क्वेश्चन पर बनेगी, और उस 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन जो थे आप लोगों के फाइन आर्ट के थे, और जो 40 क्वेश्चन थे वो जनरल स्टडी के क्वेश्चन थे। अगर हम लोग फाइन आर्ट के क्वेश्चन पेपर पे बात करें तो ये पेपर जो एक मॉडरेट पेपर था, न तो बहुत ज़्यादा टफ था और न तो बहुत ज़्यादा ईजी था। बट इसमें तमाम स्टूडेंटों के साथ एक बहुत बड़ी मिस प्रॉब्लम ये हुई है, उसमें जो एक ऑप्शन दिया था उपर्युक्त में से एक से अधिक, इस ऑप्शन को देखकर तमाम कैंडिडेटों ने जो क्वेश्चन किए उसमें से एग्जैक्ट भ्रम पैदा कर दिए, और उसी भ्रमित होने के अनुसार तमाम कैंडिडेटों ने क्वेश्चन गलत करके आए, जो कि इजी क्वेश्चन भी थे। उसके अनुसार कोई छोटा मोटा नहीं था, एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चन थी, और इसमें जो अधिकतर बच्चों ने मिस किया है वो कम से कम इसमें 7 से लेकर 10 क्वेश्चन जो थे उन लोगों ने आसान क्वेश्चन को गलत किया है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो अब 70 क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, बहुत सारे बात यहाँ पर निकलते जा रही है कि अगर इस 70 क्वेश्चन को भी अगर हम लोग देखें, और तमाम बच्चों का ये रेशियो रहा है कि उन्होंने अधिकतर 65 क्वेश्चन किया है। 65 क्वेश्चन आप लोग इस पेपर को आराम से कर सकते थे। देखिए, सिलेक्शन उन्हीं का होना है जो हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहां से आप लोग स्कोर अच्छा कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें जिन लोगों ने ध्यान रखा है उन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया है। यहाँ तक कि इसमें जो है अधिक से अधिक बच्चों ने 70, 72, 75 तक करने की भी संभावना रखते हैं, बट वो इक्का दुक्का अगर हम लोग बात करें, लेकिन 65 क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंटों ने ये करके रखा है। डिपेंड करता है आप लोगों के सिलेक्शन के ऊपर, तो जो आप लोगों की वैकेंसी है और आप लोगों के अप्लीकेंट के कैंडिडेटों की संख्या है उसके अकॉर्डिंग अगर फाइन आर्ट सब्जेक्ट में सिलेक्शन की प्रोसेस देखें तो ये बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा जो सीटों की संख्या है वो कम है, और यहाँ पर कंपटीशन जो होने वाला है वो टफ होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग अगर 65 क्वेश्चन को भी अगर हम लोग कर टारगेट लेकर चलेंगे तो एक अच्छा स्कोर देने की संभावना है। यहाँ पर हम लोग 65 क्वेश्चन अगर लेकर चलते हैं, और जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आए हुए थे वो कोई आसान क्वेश्चन नहीं थे। अगर इस जनरल स्टडी की बात करें तो यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों की जो पसीने छूट गए हैं, इनके जो मैथ के क्वेश्चन थे और जीएस के क्वेश्चन थे वो बहुत टफ थे। उसके बाद भी आप लोगों तो फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं, हम लोग फाइन आर्ट की बात करेंगे, इसमें 40 क्वेश्चन में भी अगर तमाम कैंडिडेटों ने तुक्का भी मारा है तो उनकी जो संभावना अगर 12 से 15 क्वेश्चन बनने की संभावना बन रही है। इस 40 क्वेश्चन में अगर 12 से 15 क्वेश्चन भी अगर बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें अब दोनों को मिक्स करके, तो कम से कम अगर 65 और प्लस अगर हम लोग 12 भी मान लें तो इनकी संख्या जो होती है 77। यहां तक अगर ये स्कोर जा रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरल कैंडिडेटों की, क्योंकि 65 क्वेश्चन स्टडी के सब्जेक्ट के और 10 से 12 क्वेश्चन, अगर 12 क्वेश्चन भी कर लें या आप लोगों को 10 क्वेश्चन भी कर लें तो कम से कम 75 क्वेश्चन की संभावना बन रही है। मान के चलिए अगर 75 क्वेश्चन भी बन रही है तो एक एक ये स्कोरल सब्जेक्ट मान सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। अगर 75 क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे हैं इस सब्जेक्ट में तो आप लोग एक अच्छा मतलब सेफ जोन में, कहने की संख्या ये है कि सेफ जोन में आप लोग अपने आप को मान सकते हैं। बट इसके नीचे अगर
आप लोगों की बन रही है तो थोड़ा डेंजर जोन में जा सकते हैं, ये एक अनुमान है हम लोगों का, जैसा कि आप लोग। उसके बाद तमाम सारी कंडीशन क्रिएट होंगी, या इसमें से आप लोग प्लस माइनस 5 क्वेश्चन आप लोग ऊपर नीचे मॉडरेट कर कर इसको आप लोग अपने अनुसार भी जज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आप लोगों के सामने कटाक का रेशियो था। अगर आप लोगों को इस पे भी कुछ अपने राय व्यक्त करने हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और किसी प्रकार की और सॉल्यूशन है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग अगले एस्टेट 3.0 के ऊपर भी बात करेंगे, जो कि नोटिफिकेशन आप लोग जानते हैं कि आ चुकी है